आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? श्वसन। श्वसन जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर गैसीय एक्सचेंज के रूप में होने वाली प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और रेस्पिरेशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है वैसे। रेस्पिरेशन एक हम अगर डेफिनेशंस के अंदर इसको बांधना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन में बांधना नहीं है, यहाँ पर केवल हम सिंपल फॉर्म में इसको कह सकते हैं कि गैसों के एक्सचेंज को हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की रिडक्शन यानी कैटाबॉलिज्म के समय ऊर्जा जो रिलीज़ होती है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। डेफिनेशन को और अगर क्लियरिफाई करें तो वह प्रक्रिया जिसमें कि श्वसन अभिकारक या रेस्पिरेटरी सब्सटेंस सुक्रोज जैसे स्टार्च, फैट और ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स के ऑक्सीकरण के द्वारा टूटकर ऊर्जा को मुक्त करते हैं, जिसका स्टोरेज एटीपी के फॉर्म में हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो श्वसन हुआ उस श्वसन के अंदर जो एनर्जी हमें मिली है वो एनर्जी जो है वो हमें जो फूड प्रोडक्ट्स हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या जो प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रोडक्ट है वो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा फोटो केमिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी के अंदर फोटो एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कंज्यूम्स हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है, तब रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है फोटो सिंथेसिस के द्वारा। तो यहाँ पर जब बना हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होने से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रिएक्शंस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जो बना हुआ है वो बना हुआ है C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यानी सुक्रोज है, फॉस्फेट है, सुक्रोज है, भोजन है। इस भोजन का C6H6O2 यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, वाटर की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जल के मॉलिक्यूल बनते हैं और एनर्जी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार श्वसन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम कह सकते हैं। तो श्वसन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हमने टू टाइप्स के अंदर यहाँ पर श्वसन को बांटा गया है। सबसे पहला है कि ऑक्सीश्वसन क्या होता है या एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिलीज होते हैं तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे ये इसकी डिफरेंट टाइप्स के अंदर होती है, ये बल्क अलग अलग प्रकारों में होती है। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्रेजेंस ऑफ वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 24 हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल को रिलीज़ करती है। ये 24 हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स प्रोटॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो रिएक्शन है वो इस तरह से कंप्लीट होती है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 और 6CO2 प्लस 12H2O और प्राप्त एनर्जी होती है वो 686 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा इस रिएक्शन के अंदर हमें प्राप्त होती है। इसको हम ऑक्सीजन ने इस क्रिया के अंदर भाग लिया है तो इस कारण इसको हम ऑक्सी रेस्पिरेशंस या ऑक्सीश्वसन कहते हैं। दूसरी जो रिएक्शन होती है उसको हम अनऑक्सी या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एंड प्रोडक्ट जो बनते हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड न होकर कार्बनिक पदार्थ जैसे अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी कह सकते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर जब जलता है तो ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, 2C2H5OH प्लस 2CO2
प्लस 50 किलो कैलोरीज रिलीज होती है। अगर हम दोनों ही एरोबिक और एनएरोबिक रिएक्शंस के अंदर अगर डिफरेंस देखें तो जो एरोबिक रिएक्शंस होती हैं वो हायर प्लांट्स के अंदर होती है, और इसके अंदर जो लिविंग सेल्स होती हैं वो भाग लेती है एरोबिक रेस्पिरेशंस के अंदर, और ये एक परमानेंट प्रोसेस है। इसके अलावा इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 38 ATPs इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर रिलीज होते हैं, और ये नॉन टॉक्सिक होती है, इसमें किसी प्रकार के हानिकारक पदार्थों का निर्माण नहीं होता। इसके अलावा इसमें जो ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है वो ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशंस के अंदर ही होती है, और इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण एंड प्रोडक्ट के रूप में होता है। इसी तरह जो मेन मेजर डिफरेंस देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशंस के अंदर, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशंस के अंदर ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंदर जो है वो हायर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की जो प्रोसेस होती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशंस के अंदर ही होती है। जैसे फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, किण्वन की प्रक्रिया है, किण्वन की प्रक्रिया के अंदर ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में जलता है और वो लैक्टिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस के अंदर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में यूज़ होता है और उसके अंदर लो एनर्जी बनती है, और ये एक प्रकार से टॉक्सिक विषाक्त पदार्थों का निर्माण करता है, और इसके अंदर जो लास्ट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। इस प्रकार आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है, रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन क्या है और श्वसन के कितने प्रकार हैं, ये आज हमारा बेसिक यहाँ पर कंप्लीट होता है।